बचपन की वैसे तो बहुत सारी यादें हैं जो ताजा हैं और ताजा होती रहती हैं। कौन सी बताऊं? हाँ, मेरा जब गाना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके गाना वगैरह शुरू हुआ, और जब मैं कलकत्ते आया, जहाँ आके मेरी मेन तालीम शुरू हुई मेरे दोनों मामा से, जी उस्ताद मशकूर अली खान साहब और उस्ताद मुबारक अली खान साहब से, और फिर यहाँ के जो मैंने वातावरण देखा आईटी से सारे का, कि हर घर में से तानपुरे की सुबह में आवाज आ रही है, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो उससे बड़ा एक क्या बोलते हैं ना, कि इंस्पिरेशन, उस चीज से बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। तो मैं वही बोल सकता हूँ कि वही मेरी बहुत मतलब शुरुआती जो यादें रहती हैं
गाना शुरू करने के टाइम पे वो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ का यार। एकदम माहौल माहौल इसी तरीके से था कि सुबह में मैं उठता था तो हर घर से तानपुरी की आवाज आ रही है, कोई रियाज कर रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं और अपने मतलब काम में लगे रहते थे सुबह सुबह। तो उससे बड़ा मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि वाह क्या बात है, चलो मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ तानपुरा पकड़ के रियाज करने की। हाँ मुझे याद है वो ITCSRA का फेस्टिवल था शायद, उससे मिल के ना शायद शायद मैं जहाँ अगर मुझे थोड़ा सा, हाँ SRA का फेस्टिवल था वो, और उसमें बहुत सारे बहुत हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, पंडित रामाश्रय झा जी भी बैठे हुए थे, शायद आपको ध्यान हो उसमें। और उस प्रोग्राम का एक मुझे किस्सा ध्यान है, क्योंकि जैसे आजकल एक हमारे यहाँ स्टाइल बन गया हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर के, जहाँ एक राग खत्म हुआ और फौरन लोग कुछ लाइट गाने की फरमाइश करते हैं, तो वहां भी ऐसा ही हुआ था कि जब वो पूरिया कल्याण खत्म हुआ तो ऑडियंस में से किसी ने कहा कि भाई अब जरा सा कुछ लाइट वगैरह सुनाओ, तो पंडित जी गुस्सा हुए थे उनके ऊपर, मुझे ध्यान है, और बहुत बुरे तरीके से गुस्सा हो गए थे, बहुत बुरे तरीके से उनको डांट दिया था उन्होंने। हाँ मुझे उतनी डांट वगैरह नहीं पड़ी, मतलब पड़ी है ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं पड़ी है, लेकिन जरा सा असल में जो अच्छे उस्ताद होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी वो समझ में आ जाता है कि भाई शागिर्द में कब ढीलापना आ रहा है, या वो कब जरा सा थोड़ा सा लेजीपन उसमें आ रहा है, या रियाज से भटक रहा है, या रियाज नहीं कर रहा है। और अदरवाइज अगर रियाज वगैरह होता रहे और अपना काम से लगा रहे तो डांटने की जरूरत नहीं होती। तो मुझे शौक वैसे था, रियाज वगैरह मैं करता था, और जब उन्हें लगता था कि नहीं जरा सा ये भटक रहा है, रियाज कम कर रहा है, तो डांटते भी थे, और वो जरूरी भी है, वो हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पे होती है। अभी तो अगर आप किसी को डांट देंगे तो वो शायद डांट लेके दूसरे दिन घर पे दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन हम तो अभी भी हमारे उस्ताद से डांट खाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उससे तरक्की होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा अच्छा भाई, आपने बीच में जिक्र किया उस्ताद मशकूर अली खान साहब का, मुबारक अली खान साहब का, वैसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम जब मैं मेरे उस्ताद जी का देखता था तो वो बहुत मेरे मतलब दिल दिमाग पे बहुत ज्यादा उस चीज का असर होता था। अभी भी देखता हूँ, अभी भी जो उनसे सुनने को मिलता है, मुझे शायद बहुत कम ही कलाकार लोगों से सुनने को मिलता होगा, तो ऐसा तो मुझे किसी से भी सुनने को नहीं मिलता, या जो तालीम या जो एक सीखने की जो चीज रहती है, तो मेरे मामा का मैंने जब यहाँ कलकत्ता आया था तो एक सॉल्ट लेक में एक प्रोग्राम उनका हुआ था जिसमें वो पूरिया गाए थे, तो वो मुझे अभी भी ध्यान है। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सर्ट ध्यान है, लेकिन वो पूरिया मुझे अभी भी ध्यान है उनका, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो। और 6-7 साल की उम्र थी आपकी जब ITC स्कॉलर के तौर पर आपको चुना गया। जी देखिए क्या है कि भटकने का तो सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नाना, मेरे दादा नाना और मेरे मामा, और उनके भी अगर हम और पीछे चले जाएं तो कितनी पीढ़ी से गाना बजाना हो रहा है, तो भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो हमें तो ये बताया गया था और अभी भी गया यही जाता है कि भाई तुम्हें तो करना है इस चीज को, अब प्रोग्राम मिले या ना मिले, या बहुत नाम हो या ना हो इस चीज, ये क्योंकि ये तो खानदान का हमारे काम है, तो इसको तो हमें किसी भी हालत में करना है और इसमें लगे रहना है, कोशिश करनी। बाकी तो सब मैं समझता हूँ कि सब अल्लाह के हाथ में रहता है, सभी उसके हाथ में है, लेकिन बंदे से जितना हो सकता है
वो कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, तो वही मैं कोशिश करता हूँ। तो भटकने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं अल्लाह के करम से, तो जब भी उनको कुछ ऐसा भटकने वाली चीज लगेगी तो वो जरूर एक पीठ पे मार देंगे। क्या याद आता है उस दिन का? जी, उस दिन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, और मैं जब भी उस फेस्टिवल में गाने के लिए जाता हूँ तो ताज़ा हो जाती हैं वो सब यादें। क्योंकि सबसे पहले मुझे महाराष्ट्र के अंदर पंडित जी ने इंट्रोड्यूस किया था, पंडित भीमसेन जोशी जी ने, तो उसी फेस्टिवल से मैं मतलब वहाँ, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र वगैरह में मैं गाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बुलाया था मुझे गाने के लिए, और अपने हाथ से मिला के तानपुरी दिए थे, और बहुत उनसे आशीर्वाद मिला, वो बहुत प्यार करते थे। तो मेरी खुशकिस्मती है ये, मैं सोचता हूँ, क्योंकि उतनी उम्र में शायद कोई नहीं गाया था उस उम्र में, सबसे छोटा मैं ही था उस उम्र में गाने वाला। जी, हाँ, बम्बई में गया था मैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। बहुत प्यार करते थे, उनसे बहुत मुझे प्यार मिला। जब मैं फर्स्ट टाइम गया गाने के लिए, तब का मैं किस्सा आपको बताता हूँ। नहीं, वैसे तो बहुत सारे किस्से, लेकिन एक बहुत किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, एमएस हो जाएगा। जब पंडित जी को भारत रत्न मिला था, तो उस साल में मेरा गाना था सवाई गंधर्व में, सवाई गंधर्व कॉन्फ्रेंस में। तो मैं जब गाने के लिए गया, तो उनकी बहुत तबीयत वगैरह खराब थी उस टाइम पे, तो एकदम से प्रोग्राम के बाद में वो एकदम एक गाड़ी आई और पंडित जी उसमें बैठे हुए थे, तो सब लोग उनसे मिलने के लिए गए, और हमारे बड़े भाई श्रीनिवास भाई वो मुझे कहने लगे कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई वहाँ और जो उसमें पंडाल में, कि वो मिलने की जगह नहीं मिली, तो कहने लगे कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, और उन्होंने मुझे साइड से गाड़ी के अंदर बिठा दिया ले जाकर, श्रीनिवास भाई ने। तो मैंने उनको प्रणाम वगैरह किया और उनको कहा, मुबारकबाद दी अवार्ड की, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, कहने लगे कि बेटा एक ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये अवार्ड किराने घराने को मिला है, और किराने घराने के बुजुर्गों को मिला है। तो वो बात मुझे अभी भी ध्यान है कि इतनी अच्छी उन्होंने बात की, क्योंकि उस टाइम उनकी कंडीशन वगैरह बहुत खराब थी, वो मतलब कुछ ध्यान उनको नहीं आ रहा था और बहुत तबीयत वगैरह खराब थी, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने इतनी अच्छी बात कही जो सीखने लायक है। क्योंकि हमें जो भी अचीवमेंट मिलते हैं या जो भी हमें इज्जत मिलती है, वो सब बुजुर्गों की होती है, हमारा उसमें कुछ नहीं होता योगदान। बहुत सारे हैं। प्लीज बहुत बताइए। सारे हैं। जब मैं पहली दफे गया गाने के लिए सवाई में, तो उन्होंने अपने हाथ से तानपुरे मुझे मिला के दिए, और सुबह के टाइम, क्योंकि वो शायद होल नाइट, उस टाइम पे होल नाइट प्रोग्राम था, तो सुबह के टाइम में हमारे मामा का प्रोग्राम था, तो मैं ग्रीन रूम में बैठा हुआ था, तो ग्रीन रूम में आके कहने लगा कि भाई ऐसा है कि खान साहब अभी तो जरा सुबह का टाइम हो गया है, क्या खाओगे नाश्ते में? तो मैं जरा सा शर्माया कि भाई क्या खाऊंगा, कहने के दूध वगैरह मंगाऊं तुम्हारे लिए? तो ऐसे छोटे छोटे वो जोक जोक वगैरह मारते थे, कहने की दूध दूध मंगाऊं तुम्हारे लिए, नाश्ता वगैरह करोगे? कह जी नहीं, अभी अभी कुछ नहीं डाल। जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ इस मामले में, और मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए भी मानता हूँ कि इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े खानदान में मेरा जन्म हुआ, कि जहाँ उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, और किराने के और इतने लोग, सभी बुजुर्ग, उन लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है शास्त्रीय संगीत को,
बहुत कंट्रीब्यूशन उस्ताद बुंदेली खान साहब और उनसे और पहले लोग, मेरे मेरे उस्ताद जी उस्ताद मशकूर अली खान साहब, उस्ताद नियाज अहमद खान साहब, फैयाज अहमद खान साहब, भीमसेन जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, और भी जितने भी किराने से जो जुड़े हुए हैं या किराने के जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब किसी एक, मेरे नाना उस्ताद शकुर खान साहब जो, जिनको पद्मश्री सबसे पहले सरंगी वादक में मिला और संगीत नाटक अकेडमी में। तो किसी के बारे में भी अगर कहूं तो मतलब एक पूरा टाइम चला जाएगा बोलने के लिए उनकी तारीफों के बारे में या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो उसमें मेरा जन्म हुआ, तो इससे बड़ी और खुशकिस्मती की और क्या बात हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है और सभी लोगों को ये नहीं होता।